बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने वाले हैं पालक का और तुवर की दाल बनाना सिखाएंगे आपको। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी को फॉलो कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन एक्टिवेट कीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। आए बनाना सिखाते हैं। इंग्रेडिएंट्स बताएंगे आपको। हमने यहाँ पर 1.5 किलो हमने यहाँ पर तुअर की दाल ली है, 1 आवर जिसको भिगा के रखा था। और हमने 3 गट्टी पालक लिया है, इसको काट लिया है हमने। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर तेल लिया है, बाकी बघार के लिए रखेंगे। हमने यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स को चॉप कर लिया है, लहसुन चॉप किया है। और हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हमने यहाँ पर रखा है नमक, और 4-5 हरी मिर्चें, और हमने रखा है करी पत्ता। इसे बघार में भी डालेंगे, आपको तरीका बताएंगे। एक कुकर लिया है हमने, अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पालक में कुदरती तौर पर पानी होता है नेचुरली। पालक शामिल कर लेंगे हम इसमें पूरी। बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदार बनने वाली है, घर में सबका पसंद आएगा। मेरा तो पर्सनली बहुत फेवरेट है पालक, मेरी वालिदा बनाती है, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, मज़े से खाइए और फीडबैक भी दीजिए कैसा बनाए। हल्दी शामिल करेंगे इसमें, रेड चिली पाउडर, पालक में भी नेचुरली नमक होता है तो हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। हरी मिर्च शामिल करेंगे, करियंडर लीव्स, लहसुन, करी पत्ते के कुछ पत्ते डालेंगे हम, बाकी बघार के लिए रखेंगे। और अब हम इसमें तेल शामिल करेंगे। तेल कितना लिया है हमने शुरू में बता दिया था आपको, कितना डालेंगे, बाकी बघार के लिए रखेंगे हम तेल। चूल्हा सुलझा लेंगे हम, स्टोव सुलझा के इस कुकर को रखेंगे और 3-4 सीटी होने तक रखेंगे। देखिए हम कुकर का ढक्कन निकाल चुके हैं, दाल हो चुकी है। बघार लगा देंगे, एक पैन लिया है हमने बघार के लिए। चमचे हम पैन में तेल डालेंगे, तेल चेक करेंगे, हीट हो चुका है, तेल गर्म हो गया। फ्राई डालेंगे, सबकी लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। मिर्च फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे, बहुत कम डालेंगे हम, 2-3 चुटकी बराबर। स्टोव बंद कर लेंगे हम, सॉरी जी लगा लेंगे हम उसमें। करी पत्ता डालेंगे, जीरा और करी पत्ता हमने इसलिए बाद में डाला ताकि जले नहीं, अगर ज्यादा चीजेंगा। चलो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप जरूर ट्राई कीजिए। हाय हा हा, बघार की खुशबू ही जबरदस्त, घर में खुशबू मैं करिए बघार देते ही। अभी हम इसे जल्दी से ढक्कन लगा देंगे।
देखिए बनके टेबल पे आ चुके हैं, डिश आउट कर चुके हैं हम। बहुत मजेदार खुशबू आ रही है घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त इतनी खुशबू महक रही है, आप जरूर ट्राई कीजिए। आपके घर में खुशबू महकेंगे, आपके पड़ोस वाले भी बोलेंगे माशाल्लाह कहाँ खाना बन रहा है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए इंशाल्लाह, और बेल आइकन एक्टिवेट कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पहली रेसिपी आपकी तरफ पहुँचे, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, फीडबैक ज़रूर देना। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। फिर एक नई रेसिपी के साथ, लाजवाब रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो एक्टिवेट बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स।